नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। अलवर जिले के नए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने किया अलवर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदभार ग्रहण। डॉक्टर सोनी अलवर जिले के 50वें कलेक्टर होंगे। फिलहाल यह नेशनल हेल्थ मिशन में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। डॉक्टर सोनी को अपने कार्यकाल में करीब 8 अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें इन्हें अपने बेहतरीन कार्य के लिए राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिल चुका है। गौरतलब है, पूर्व कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया के एसीबी द्वारा ट्रैप होने के बाद अलवर कलेक्टर का पद सुर्खियों में रहा। वहीं 76 दिन के कार्यकाल में कलेक्टर शिवप्रसाद मोहन के सामने अलवर में कानून व्यवस्था को लेकर कई चुनौतियां पैदा हुई थी। पदभार संभालते ही जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना उनका कर्तव्य है। सोनी ने कहा कि जिला प्रशासन की मशीनरी सामुदायिक सहभागिता व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सभी समस्याओं का समाधान कर जनहित में कार्य किया जाएगा। आज अलवर जिले में ज्वाइन किया है और प्रयास यही रहेगा कि राज्य और केंद्र सरकार की जो जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए जो पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके लिए भी प्रयास करेंगे। अभी मेरी साथियों से जो बात हुई है उसके मद्देनज़र उन्होंने कुछ एक चीज़ें बताई हैं। कोशिश ये रहेगी कि प्रशासन के सारे लोग मिलकर सामुदायिक सहभागिता भी मिले और हमारे जितने भी तमाम जनप्रतिनिधिगण हैं उनका भी साथ मिले और हम उन समस्याओं को बहुत तरीके से सिलसिलेवार जनहित में उनका समाधान ढूंढ पाएं, ऐसा प्रयास रहेगा। सभी का सहयोग इसके लिए बहुत बहुत अपेक्षित है। थैंक यू सो मच। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।